तभी यहाँ पे सनराइज़ हुआ है। सब देख सकते हैं सामने नेपाल है और गजब का सनराइज़ हो गया है यहाँ पर। गाड़ी बंद हो गई है। और ये अरमान मैसेज दे रहा है, भैया गाड़ी रात में हो गई ठंडी, इतना मतलब ठंड था, इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे, गाड़ी ठंडी हो गई है। अभी स्टार्ट करने के लिए जद्दोजहद चल रही है, धक्का से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, कोशिश की जा रही है। तो मैंने कहा लाओ अपडेट दे दी जाए। बेटा इस बार कसम है तुम्हें, स्टार्ट कर देना। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी बंद क्यों हुई थी ये रितेश बताएगा। बताओ बेटा गाड़ी क्यों बंद, ये नहीं बताएगा, तुम बताओ। गाड़ी चाबी की बैटरी डाउन थी। गाड़ी नहीं ठंडी हुई थी, गाड़ी की जो चाबी होती उसकी बैटरी डाउन थी। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई और सब एक एक करके अमन को गरिया रहे हैं। तो गाइस अभी हो चुकी है डे टू की शुरुआत और हम टनकपुर से शारदा घाट को कर चुके हैं टाटा टाटा बाय बाय, और हम निकल रहे हैं अभी पिथौरागढ़ के लिए। तो यात्रा की शुरुआत हम करेंगे बाबा के नारे से, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा की पहुंच करेगी मौज। और ये है शारदा घाट का गेट, इसे अभी हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय। आगे के रास्ते बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, नज़ारे बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और बीच में कहीं हम कुकिंग करने के लिए गाड़ी भी रोकेंगे। तो चलो भाई चलते हैं अभी सफर में। मेरे भैया हटिए वाले हैं, सटिए वाले तो भाई उत्तराखंड टीए भर्ती का हाल ये है कि लड़कों को गाड़ी नहीं मिल रही बैठने के लिए और भीड़ देख सकते हैं आप रोड पे। तो ये ऐसी कतार चंपावत तक लगी है ऐसा सुनने में आ रहा है भाई, भीड़ बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है शारदा घाट से लेकर। और देख सकते हैं आगे दूर दूर तक भीड़ है, कोई गाड़ी टैक्सी कुछ नहीं इधर मिलने वाला है। देखो ऐसे लौंडे धीरे 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 लड़के रोड के बीच में आके बैठ रहे हैं कि कोई तो गाड़ी रोक देगा। तो ये हाल है कुछ अभी उत्तराखंड का। सो गाइस यहाँ से अभी चंपावत बचा है 30 किलोमीटर और हमने अपनी गाड़ी रोक ली एक शॉप पे। ये शॉप है और यहाँ से हम ले रहे हैं चाय बनाने का सामान, क्योंकि नज़ारे बहुत तगड़े तगड़े हैं। तो जहाँ पर कोई बढ़िया सा सीन दिखेगा वहाँ पर हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और वहाँ पर बनाएंगे चाय। क्योंकि पहाड़ में चाय नहीं पी मैगी नहीं खाई तो बेकार है। देखो हमारे लड़के मौका मिलते ही तुरंत नज़ारों का मज़ा लेने चल देते हैं। देखो यहाँ शॉप यहाँ पर कैसी होती हैं, ये अदरक है रोड पर ही लगी हुई है और पहाड़ की अदरक बहुत जानदार होती है। जब भी हम पहाड़ पे आते हैं तो मेरे मोहल्ले कुछ लोग जरूर कहते हैं कि भाई अदरक लेते आना यार वहाँ से। मज़ा आ रही है बाबू, मज़ा आ रही है सबको, मैं लगाया हूँ मैं। और भाई ये है सुशील जिसके पास है आईफोन, तो ये भाई थोड़ा सा बिजी हो गया क्योंकि हर आईफोन वाला भाई फ़ोटोज़ के लिए बिजी रहता है। देखो ये सबकी फ़ोटो खींच रहा है। तो हाँ सुशील भाई सबको जो है मॉडल बना देंगे। और एक इधर ग्रुप है छोटा बच्चा ओएस खा रहा है। ओ यस, ये अरमान है हमारे खान बाबा, खान बाबा फोटो खिंचाते हुए इंडिया के। अरे बस हो गई, चलो जल्दी से। तो गाइस पिथौरागढ़ बचा है यहाँ से ओनली 87 किलोमीटर। रास्ते में एकदम मजा आ रहा है, बोले तो जय बाबा की। और ये एक बहुत बेहतरीन सा व्यू पॉइंट हमें दिख गया है। तो मैंने कही भैया गाड़ी यहीं पर रोक लो और यहीं पर बनाते हैं चाय, क्योंकि बिना चाय के कहाँ से मज़ा आए। ये रितेश भाई हैं, देखो सब नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं और ऐसे नज़ारे किसे नहीं चाहिए। देखो टेबल लगी है, नेचर में कुर्सी लगी, छत लगी है, आगे एक शहर है और देखो ऊपर बंदर ही बैठे हुए हैं। बहुत तगड़ा नज़ारा है। तो चलो बिना किसी देरी के निकालते हैं अपना सिलेंडर और बनाते हैं चाय। ऐसे नज़ारे के साथ भाई चाय मिल जाए ना, बस बात ही ख़त्म। तो गाइस अभी हम और अमन आ गए थे यहाँ पर पानी लेने, क्योंकि हमारे पास में पानी नहीं था। तो पहाड़ से नीचे जाके घर से पानी लेके आए यार पाइप से। पीछे हमारी बॉटल्स रखी हुई हैं पानी की, तो 3 बोतल पानी भर लिए हैं। अब चल के अपना चाय वाला कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुबह सुबह की ठंडक में चाय की चुस्की लेते हैं। तो गाइस ये हमारे चाय बनने का प्रोसेस चालू हो गया है। रितेश भाई यहाँ पर दूध डाल दिए हैं और उत्कर्ष गुप्ता यहाँ पर आग जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जल नहीं रही हवा के कारण। और देखिए माचिस से ये बोतल जला रहे हैं, वाह रे टैलेंट। चाय बनाओ भाई, चाय बनना ही है, गरम गरम चाय। चाय पत्ती दो, चाय पत्ती।
तो देखिए भाई बीहड़ में कैसे कैसे हम लोग इंतजाम करते हैं, हमारे पास कूटने के लिए कुछ है नहीं तो हम इससे कूट रहे हैं। ये पहाड़ी अदरक है, वाह 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 वाह, आराम से कूटो, पकड़ के पकड़ के। हाँ ये देखिए ये अबे सब गिरा रहे यार, बहुत महंगी अदरक है यार, कै रुपए किलो है? अरे पहाड़ी अदरक बहुत महंगी, पकड़ के तोड़ो, ऐसे डाल दो गल जाएगी। तो ये है गाइस हमारा देसी जुगाड़, क्योंकि हम छन्नी लाना भूल गए थे तो हमने नया रुमाल खरीदा हुआ था, तो देखिए इससे चाय छानते हैं। बहुत बढ़िया रही थी। तो गाइज अभी चाय पी के हम लोग हो चुके हैं चार्ज, और अब यहाँ से हम निकलेंगे और अगला स्टॉप लेंगे लोहा घाट में। लोहा घाट में भाई बहुत ही बेहतरीन पाला पड़ता है और पाला अधिक क्षेत्र है, तो वहाँ पे हम तहड़ी बनाएंगे। और सारे हमारे बालक एकदम हो चुके हैं अभी चार्ज, रितेश वहाँ पे कुछ लघु शंका कर रहे हैं। तो चलो गाड़ी को बढ़ाते हैं लोहा घाट की ओर, वीडियो में बने रहो। वीडियो और नेचर कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कि हम कभी कभी निकलते हैं यार, आजकल थोड़ा समझ सकते पढ़ाई वाला प्रेशर पड़ रहा है, तो वीडियो को सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बने रहो आपके अपने चैनल में। तो चलते हैं आगे लोहा घाट की ओर। हम देख रहे हैं कि हम लोग कार में हैं और ये लोग गेम खेल रहे हैं, यू नो ठीक है, हरा दो है ठीक है, ओ ओ एक इधर डालो, दो उठाओ, दो डालो। तो गाइस ये अभी हमारी टीम जा रही है खाना बनाने के लिए, और सामने में मंदिर है बड़ा खूबसूरत सा, और ये नीचे से हम जा रहे हैं क्योंकि नीचे पानी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारी टीम है, टीम बाबा जी की फौज करेगी मौज। तो चलो भैया नीचे चल रहे हैं, वहीं छोटी सी नदी है और वहीं पे लगाते हैं अपना खाने का सिस्टम और बनाते हैं, फिर आपको देते हैं अपडेट। तो बस ये पानी जो बहता हुआ है कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत, वैसे पानी तो साफ़ है बॉयल करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें कचरा बहुत पड़ा है। तो वो अरमान और नमन गए हैं वहाँ पर पानी भरने, और बंदर बहुत है भाई यहाँ पे, अभी मैंने थाली बजा बजा के बंदरों को भगाया यहाँ से। तो भैया ये यहाँ पे प्याज व्याज छिल रहे हैं बेहतरीन, ये मेहनती लड़का देखो पानी ले आया है। जब इसे बनाओगे नहीं तो सोयाबीन का पेल लो फिर यार, इतना जाओ भर के लाओ जाके वो कहाँ से भर के लाना है। और ये देखो प्रभु की माया, कहीं धूप और कहीं छाया, वहाँ पे एकदम अंधेरा हो रखा है और यहाँ पे एकदम धूप, और सामने है हमारे काली माता का मंदिर। और ये न्यूट्री जाती हुई सोयाबीन, ओए ये गया सोयाबीन, क्या गया बीन, क्या गया सोयाबीन, सोयाबीन इसको कहते हैं वेजिटेरियन वाला चिकन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नहाने, तो गाइस हम लोग चलो चलो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं नीचे और पानी कम से कम 2 डिग्री पे ठंडा हो गया है। ये देखो हमारे सुशील भाई इधर, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। ये नमन सारे वाइट टावल में है, वाइट टावल में पांडव बन के जा रहे हैं हम लोग नहाने। तो गाइस अभी हमारी तहड़ी बन के तैयार है, बहुत कुछ खास तो नहीं लेकिन अब देरी देरी तो कहूँगा नहीं, की तरह नहीं बन पाई। हाँ उस दिन तरह नहीं बनी लेकिन हो भी मज़ेदार। हाँ बाकी ये देखो लोकल अचार लेके आए हैं, दिखाना आम का अचार, आम का अचार ये हमारे अरमान कहीं से लेके आए हैं भैया, खाने के तेल से बनी है। सब यहाँ पर बैठे नज़ारे का मजा लेते हुए उड़ाने जा रहे हैं क्या, ये देखो यार आए नमन लेके आ रहा है वहाँ से पानी, थाली लाओ बहुत सारी थाली, बहुत टेस्टी तहड़ी बनी है गाइस, मतलब कम साधन में जो है तहड़ी बना दी है रितेश भाई ने। देखो सब भाई खा रहे हैं अपने अचार वचार, लाओ भैया। गुप्ता जी को कैमरा पकड़ने का भी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, इसलिए शायद वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, ये पकड़ नहीं।
कैमरा तो एक ही संभाल नहीं पा रहा, बंदूक कैसे संभालेगा, इसे पकड़ा नीचे झुके जा रहा है। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़, और ये बोल के कि भीड़ बहुत ज्यादा, वाकई में भीड़ बहुत। ये गाइस चला गया है इसमें तेल और रितेश लग रहा है वो आंसू गैस के गोले आंख में डाल दिए। मेरा भाई इन्होंने देख रहे कमर पर कहाँ भेज रहा है, टांग पर कहाँ लग रहा है, दौड़दार जो कोई भरते मारने खतर वाला से भरते हो कहीं भाई। सबसे पहले इसके ही बजाए डंडे खाए इसने, डंडे डंडे निकाय में भाग गया।